والحياة بي. असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टू माई न्यू वीडियो आई होप यू आर डूइंग गट सो लेट स्टार्ट डेज वीडियो एंड आज के वीडियो की शुरुआत करूँगी मैं बाई मेकिंग समी ब्रेकफेस्ट एंड ब्रेकफेस्ट में यहाँ आए माई फेवरेट थिंग विच इज़ आलू का पराठा अच्छा सो यहाँ पर इट वॉज अराउंड सेवन ए एम इन द मॉर्निंग और आई प्रेड माई फजर एंड देनड कुरान फॉर समाइम उसके बाद मैं बैठ कर अपनी वीडियो एडिट कर रही थी एंड देन माई ब्रदर के मिनट माई रूम एंड ही साइड के कुछ ब्रेकफेस्ट बना के दे मुझे ही वॉज हंग्री तो फिर मैंने इसे पूछा कि क्या बनाऊँ देन ही वॉज लाइक कुछ भी बना और कुछ भी बना के रखो तो खाएगा नहीं सो so, इसलिए मैंने सोचा कि आलू का पराठा बनाते हैं हम दोनों को ही पसंद है और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम भी है अभी क्योंकि सुबह का वक्त है तो मेरा टाइम भी अच्छा खासा पास हो जाएगा और कुछ तो करने के लिए है नहीं सो so, इस वजह से मैंने सबसे पहले ना आलू को बॉयल करने रख दिया प्रेशर कुकर बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाता है प्रेशर कुकर में उसके अलावा फिर जो डो है आटा गूंद के वो भी रख दिया है और पराठों के लिए जो आटा होता है डो होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है तो ठीक है यहाँ पर आटा भी साइड में रख दिया है मैंने एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सारे जो बर्तन रात को धोकर रखे गए थे तो उनको उनकी जगह पर ठिकाने पे लगा दिया है उसके बाद इसका जो स्टफिंग होगा ना उसके अंदर जो सारी चीज़ें जाएंगी वो मैंने रेडी कर लेनी है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें वैसे डाल सकते हैं जो मैं डाल रही हूँ लेकिन मेरा मन नहीं था अच्छा तो यहाँ पर आलू जो है वो कम्प्लीटली बॉईल हो चुके हैं तो अब इनको मैं पील ऑफ कर लूँगी अच्छा इससे पहले मैंने जो थोड़े से ना अनियंस हाफ अनियन को बारीक चॉप करके वो मैंने बोल में ऐड कर दिया है बिकॉज़ आलू के जो स्टफिंग होगी मैं उसमें अनियंस भी डालती हूँ तो बस यहाँ पर आलू को बॉयल आलू को आई मीन बॉयल करने के बाद मैंने ऑफ़ कर लिया एंड देन गोना एड इट इन टू दी अपना अनियन जो कट करके रखा है वो उसके बाद फिर सारे मसाले चले जाएंगे इसमें सबसे पहले तो ग्रीन चिली का पेस्ट जाएगा टू मेक इट स्पाइसी और ये जो आलू के पराठों का मिक्सचर होता है ना तो हम इसमें जो मर्जी चाहे और जितने मर्जी चाहे मसाले डाल सकते हैं यही मुझे इसकी बेस्ट चीज़ लगती है तो यहाँ पर मैंने तो डाला था ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर और उसके अलावा फिर था रेड चिली पाउडर थोड़ा सा चाट मसाला डाला था एंड सॉल्ट दार सेट इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी मुझे कुरियंडर भी चॉप करके इसमें डालना था धनिया लीव्स लेकिन फिर मैंने नहीं डाला आई वॉज़ बीन टू लेज़ी फॉर दैट तो अब चलो जल्दी जल्दी से पराठा बना लेते हैं और उसके बाद बैठ खाएंगे अच्छा सो ब्रेकफास्ट यहाँ पर मेरा हो चुका है उसके बाद थोड़े बहुत काम थे घर के वो फिनिश करने के बाद इट वॉज़ फ्राइडे तो मैंने ले लिया यहाँ पर शार सबसे पहले और उसके बाद क्योंकि जुम्मा है तो सूर्य का कहफ्राइड करना इज़ मैंडेटरी तो यहाँ पर मैं कुरान पढ़ूंगी उसके बाद फिर हमने नमाज़ पढ़नी है एंड आफ्टर दैट कम्स द लंच टाइम और लंच में यहाँ पर मैं लूँगी दो कबाब विथ वन रोटी और ये जो कबाब है ना वो मेरी मम्मा ने ऑलरेडी उसको बनाकर इस तरीके से स्टोर कर दिया फ्रिज में सो हमको जब भी मन करता है वे जस्ट हैव टू टेक दैम आउट उसको फ्राइम पेन में फ्राई करेंगे एंड देन वी आर रेडी टू इट ट और यहाँ पर बारिश इतनी जोरों से हो रही थी ना मतलब ऐसे लग रहा था पूरे महीने की बारिश है ना आज के दिन ही हो गई है अलहमदिल्ला से अच्छा तो यहाँ पर अब मैं बैठ के लंच करूँगी और लंच करने के फौरन बाद मैं जाऊँगी किचन में टू मेक अ केक सो दिस इज गोइंग टू बी अ बर्थडे केक एंड दिस इज नॉट फॉर माई सेल्फ और फॉर एनी माई फैम और एनी ऑफ माई फैमिली मेम्बर बट दिस इज़ फॉर आ मेड तो उसने बोला था कि दीदी मेरे बर्थडे के दिन यू हैव टू मेक अ केक फॉर मी सो आई सेट वाई नॉट मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे अच्छा तो सबसे पहले यहाँ पर है ना सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं मेजर करके निकाल लूँगी तो सबसे पहले ले लिया है मैंने शुगर विचूज़ अराउंड हाफ कप और उसके अलावा मैंने लिया है मिल्क वन फोर्थ कप और सेम ऑयल भी लूँगी मैं वन फोर्थ कप तो ये सारे ना चीज़ें जो मैं मेजर कर रही हूँ मेजरिंग कप जो आते हैं वो टू फोर्टी ग्राम्स के स्टैंडर्ड मेजरिंग सेट होते हैं तो उसी से मैं मेजर करूँगी और यहाँ पर एक बोल में ले लिया है मैंने सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स तो सबसे पहले जाएगा मैदा बच्चे अराउंड वन कप और उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी उसमें कोको पाउडर विचूज अराउंड वन फोर्थ कप इन सब चीज़ों को बाद में हमने सीव भी करना है मतलब छानना है और उसके अलावा फिर जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अराउंड वन टी और बेकिंग सोडा था अराउंड हाफ टी स्पून तो बस इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके रखेंगे साइड में और एक दूसरे बोल में हमने सारे वेट इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर बोल में सबसे पहले मैं दो एग्स को क्रैक कर लूँगी उसके बाद इन दोनों एग्स को ना विकस की हेल्प से अच्छे से बीट कर लूँगी जब तक योक और एग वाइट अच्छे से मिक्स ना हो जाए उसके बाद ऐड करेंगे इसमें हम अपना शुगर और शुगर को यहाँ पर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस के इसका पाउडर बना लिया था ताकि अच्छे से डिजॉल्व हो जाए एग में तो यहाँ पर दोनों चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हमने इसमें ऐड करना है मिल्क और उसके बाद फिर से इसे मिक्स करेंगे एंड देन हमारा हो जाएगा इसके अंदर ऑयल सारे ऑलमोस्ट जो वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड हो चुके हैं बस हमने इसमें ऐड करना है वनीला एसेंस सो so, मैंने बस इसके ना थोड़े से ड्रॉप्स ऐड किए थे क्योंकि आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ वनीला एसेंस मच उसके अलावा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको हमने सिफ्ट कर लेना है इसको सिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें लम्स जरूर होते हैं कोको पाउडर में तो बेशक होते ही हैं तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्क की हेल्प से इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है जैसे सारे वेट और ड्राइंग एक साथ आ जाएंगे ना तो बस आपने रोक देना है वहीं पर अपने वस को उसके बाद यहाँ पर मैंने वन कप हॉट वाट वाटर एकदम गर्मा गर्म पानी इसमें ऐड किया है और बिल्कुल आहिस्ते से आपने मिलाना है वरना गर्मा गर्म पानी हाथ पे स्प्लैश करेगा तो फिर आप रोने लगोगे अच्छा ठीक है तो ये सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है और बस इसके बाद हमने ये जो उसका पैन है उसको ग्रीस कर लेना है तो बस मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ब्रश ऑफ कर लिया उसके बाद मैंने इसमें मैदा डस्ट किया अच्छा सो मेरे पास है ना बटर पेपर था लेकिन बस मुझे इसको ना सर्कल शेप में कट करना करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा तो बस मैंने मैदा यूज़ कर लिया आपके पास है तो आप बेशक यूज़ करें तो बस ये सारा जो हमारा मिक्सचर इसमें पोर कर दूंगी और ये वाला जो केक है आज हम बिना ओवन के या माइक्रोवेव के बनाएंगे बहुत ही अच्छे से बन जाता है बहुत ही सिंपल है एक अच्छा सा बड़ा सा पतीला लेना है आपने जिसमें आपका एक कंटेनर या जो आपका टिन है केक टिन वो अच्छे से फिट हो जाए उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना नीचे कोई स्टैंड वगैरह रख देंगे और मेरे पास स्टैंड तो था लेकिन वो इस वाले बर्तन में फिट नहीं आ रहा था तो मैंने बस छोटा सा एक है ना स्टील की जो प्लेट होती है छोटी सी वो मैंने नीचे रख दिया था जैसे पानी के अंदर बॉयल आएगा ना तो हमने ये वाला केक का जो अपना मोल्ड है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र कर अच्छा देना क्यों? है पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो उसमें से स्टीम अच्छे गर्मा गर्म निकलेंगे तो बी वेरी केयरफुल और यहाँ पर मुझे अंदर मोल्ड डालने में काफ़ी डर लग रहा था तो यहाँ पर अम्मी ने मेरी हेल्प की उन्होंने बस एक सेकेंड में यूँ बिल्कुल अच्छे से मोल्ड को रख दिया था अंदर तो बस इसको हम कवर करके रख देंगे फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट बीस मिनट तक तो बिल्कुल भी आपने इस लड़क खोलना नहीं है फ़्लेम को एकदम से लो कर देना है आपने जैसे आप केक का मोल्ड अंदर डालोगे और बस उसके बाद ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट्स के बाद है ना केक आपका कंप्लीटली डन हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी बना था एज़ कम्पेयर टू माइक्रोवेव या अवन वाले से तो केक को बाहर निकाल के उसको ठंडा होने देंगे बिल्कुल भी इसको निकालने की कोशिश नहीं करनी है जब तक कि कम्प्लीटली ठंडा ना हो जाए ओके सो मेन वाइल यहाँ पर मैं जो विपिंग क्रीम है उसको रेडी कर लेती हूँ और जो लिक्विड वाला विपिंग क्रीम होता है मैंने हर जगह ढूंढ लिया मुझे कहीं पर भी नहीं मिला ऑनलाइन भी नहीं अवेलेबल था मुझे ये पाउडर्ड विपिंग क्रीम मिल गया तो मैंने सोचा ठीक है अब इमरजेंसी के लिए यही यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पर बस मैंने पाउडर्ड जो पाउडर होता है ना वपिंग क्रीम का वो ऐड किया बोल में इसको एकदम चिल करना है आपको फ्रिज में रखना उसके बाद यूज़ करना उसके अंदर ठंडा ठंडा पानी डाला है मैंने सेम क्वान्टिटी में और बोल हो सके तो बोल को भी एकदम फ्रिज में रख कर अपने ना चिल कर लेना जिसमें आपको अपनी क्रीम को वप करना है उसके बाद बस इलेक्ट्रिक टर से इसको अच्छे से बीट करेंगे जब तक इसमें से स्टेफ पीक्स जो ना है ना वो फॉर्म हो जाए और अगर जैसे लगे कि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ रहा है फिर से इसको दोबारा से फ्रिज में रखेंगे तभी ये ठंडे ठंडे में ही आप विपिंग क्रीम के साथ काम कर सकते हैं अच्छा सो वपिंग क्रीम तो रेडी हो चुकी है और केक भी हमारा कंप्लीटली ठंडा हो चुका है एंड यूर आई वो शोइंग यू गाइस के कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है तो बस यहाँ पर अब इसको डीमोल्ड करते हैं यहाँ पर बस साइड में इस तरीके से नाइफ एक बार घुमा लेना है और उसको पलट देंगे और ये डीमोल्ड हो जाएगा बस थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मैंने बेकिंग पेपर नहीं यूज़ किया था तो लेकिन कोई खास मसला नहीं है अच्छा सो तो यहां पर मैंने केक को ना तीन लेयर्स में कट कर लेना है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे बीच में से अच्छा सो तो यहाँ पर तीन लेयर्स में मैंने कट कर लिया है और उसके बाद अब बारी आती है हमारे व्हिपिंग क्रीम के अंदर मैंने यहाँ पर कोको पाउडर ऐड कर दिया है जस्ट टू गिव दैट चॉकलेटी फ्लेवर तो यहाँ पर आप चाहें तो चॉकलेट को मेल्ट करके वो भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर ये जो केक के ऊपर डोम का शेप बन जाता है ना ऊपर तो बस मैंने उसको काट के साइड में निकाल दिया उसको वेस्ट नहीं करना या तो खा लो या तो उसका चूरा बना कर केक के बीच में लेयरिंग के बीच में आप ऐड कर सकते हैं मैंने तो इसे खा ही लिया था अच्छा तो यहाँ पर मैंने पहली लेयर केक की रख दी है यहाँ पर टर्निंग टेबल पे और उसके बाद यहाँ पर मैंने ऊपर अप्लाई किया था शुगर सिरप तो शुगर सिरप में सिंपली आपने पानी लेना है उसमें शुगर ऐड करना है अच्छी खासी क्वांटिटी में और उसको पकाएंगे हम जब तक हमारा शुगर अच्छे से डिजोल्व ना हो जाए थोड़ा सा उसको ठंडा होने दे और उसके बाद अपने केक स्पॉच के ऊपर लगाने के लिए कम्प्लीटली रेडी है तो मैंने बस शुगर सिरप अप्लाई किया उसके बाद जो हमने विपिंग क्रीम रेडी की थी वो अप्लाई कर दूँगी और इसको अच्छे से सारे तरी सारे तरफ से ना अपने क्रीम को अप्लाई करें और अप्लाई करने के इसको मैंने मैंने इसको इसको रख दिया था फॉर घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए और हमारा आगे का काम आसानी से हो जाए तो बस जैसे ये सेट हो जाएगा उसके बाद मैंने ऊपर से, से से फिर सेम क्रीम यूज़ किया आप दूसरा कोई लेयर लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं तो बस मैंने यहाँ पर वेपिंग क्रीम से इसको अप्लाई कर दूँगी और स्क्रेपर की हेल्प से इसको अच्छे से मैंने स्प्रेड आउट कर लेना है आई नो आई एम नॉट गुड एट दिस क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी नहीं है और दूसरी बात ये कि ये जो टर्निंग टेबल है बहुत ही बुरा है सही से टर्न ही नहीं होता इस वजह से मैं इसको स्मूद आउट नहीं कर पाती हूँ केक्स को क्योंकि मैंने बहुत ही सस्ते में खरीदा था बहुत साल पहले ऑनलाइन मंगाया था इस वजह से आई थिंक आई नीड टू बाई न्यू वन अच्छी क्वालिटी वाला अच्छा सो वेपिंग क्रीम लगाने के बाद यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट करके मैंने ऊपर से स्प्रेड कर लिया है वैसे तो यहाँ पर ड्रिपिंग वाला बनाना चाह रही थी मैं लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं उसके बाद यहाँ पर केक को थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश कर रही थी बड़ा नोजल जो है ना वो भी बड़ा सड़ियल सा था मेरा तो बस यहाँ पर मैंने जैसे तैसे उसको डेकोरेट कर दिया है और साइज को क्लीन कर दूँगी व टिश्यू पेपर उसके बाद जो बर्थडे गल है उसका मैंने यहाँ पर नाम लिखने की कोशिश की थी वाइट चॉकलेट से यहाँ पर वाइट चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया वो भी सही से मेल्ट हुई नहीं इस वजह से नाम भी प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पा रही थी लेकिन ठीक है कोई बात नहीं अच्छे से नाम लिख गया था थोड़ी सी क्रिएटिव होने की कोशिश कर रही थी हार्ट वर्ड बना के लेकिन आई थिंक आई फील इन दैट सक्सेसफुली कोई बात नहीं केक का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उसको बर्थडे गर्ल को और बड़ी तारीफें की उसने मेरी एंड आई नीड टू वर्क ऑन माई डेकोरेटिंग स्किल्स अलॉट मोर तो दिस पॉज इट फॉर डेज वीडियो आई होप यू गाइज लाइक डिट और अगर पसंद आया हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा अपना स्टे पॉजिटिव कीप स्माइलिंग बाय बाय